हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मेरी वीडियो है पूरे सूट पे, यानी कुर्ती की कटिंग और सलवार की कटिंग। मैं बताती हूँ आपको कि आप पूरा सूट कैसे काट सकते हैं, यानी कि पूरी लंबाई का 45 इंच की लंबाई हो जिस सूट की, और जिसमें जॉइंट आता है बीच में, तो आप उस सूट को कैसे काट सकते हैं, और बीच में जो फूल आता है आगे, जो टाई पट्टी बोलते हैं जिसको, उस सूट को आप कैसे कट कर सकते हैं। ये सूट है पूरी लंबाई का, तो आप इस तरीके से उस सूट को काट सकते हैं, क्योंकि पूरा मैंने खोल के रखा है। और जो टाई पट्टी वाली जो होती है, जो कढ़ाई, इसको पकड़ के इसके सेंटर से और इसको फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए उस साइज़ के हिसाब से, क्योंकि फुल साइज़ का है, इसकी फिटिंग भी फुल साइज़ में है और इसकी लंबाई भी। तो इस तरीके से आप इसको पहले तो पूरा सही कीजिए, क्योंकि ये पट्टी है, बीच में लानी होती है इसको, और जो जोड़ है इसका वो ऊपर आएगा, इसका जॉइंट इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप इसका ऊपर नीचे का साइज, और ये लंबाई आ चुकी पूरी जॉइंट तक, क्योंकि ये जॉइंट हमारा इसमें, ये जॉइंट है, ये कमीज में हमारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो आ नहीं सकता, नीचे इसमें बॉर्डर दिया हुआ है कढ़ाई का, तो ऊपर ले लेंगे हमें ऊपर से इसका तीरा, जो मोड़ा बोलते हैं जिसको, ये ऊपर की लंबाई है शोल्डर की। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस तरीके से आप कमीज़ की कटाई कर सकते हैं, और ये जो हमारी होती है, जो चाक बोलते हैं जिनकी लंबाई होती है, वो हमारी कमर के बीच वाली लंबाई, और कमर पे हम लगाएंगे निशान 8 इंच पे, क्योंकि फुल साइज़ में सूट है, तो इसलिए कमर की होगी 8 इंच की, और जो ऊपर की फिटिंग हमारी उससे बीच में 1 इंच कम देंगे हम, और जो ऊपर वाली है उसी की हम नीचे से हीप वाली फिटिंग है वो करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से। ये हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया इसमें, क्योंकि जो हमारी ऊपर की फिटिंग होती है वो उससे 1 इंच कम लेंगे कमर, और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम जो हमारी हिप, वो क्योंकि इसमें साइज़ सिर्फ ये याद रखना होता है कि 1 इंच कम कमर की और 1 इंच एक्स्ट्रा होती है। ये हमारी 1.5 इंच हो गई मोड़े की कटाई, और ये हमारी नीचे की जो जोली बनेगी उसकी है, उसकी लंबाई हम उसी के हिसाब से लेंगे, हिप के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा चौड़ी चाहिए जोली तो उससे तिरछा कट करने होगा, लेकिन आजकल तिरछा पहनते नहीं है, बिल्कुल सीधी पहनते, तो इसलिए हिप के अनुसार ही ये बनेगी। मेरा बेटा कौन भाई, तू बावड़ो पड़ी ना कम ना कर देखो, मैं तो कितनी बड़ी पड़ा हूँ, मैं तो शानी बेटी से भाई से। क्योंकि ऑल ओवर में सूट आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये था हमारा ऑल ओवर सूट, और ऑल ओवर में सूट सिर्फ इसी तरीके से निकलता है। ये हमारी कमर और छोटे से डॉट लगा दिए ताकि पता लग जाए कि यहाँ से फिटिंग सही होगी इसकी। गला लेंगे हम 6.5 इंच का, क्योंकि गला भी इसके साथ काट सकते हैं आप, कपड़े से गला बना सकते हैं इसी तरीके से जो मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ इस तरीके से, क्योंकि आपको बुकरम वाला गला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे कपड़े का गला बनाना आता है तो आप इस तरीके से कट कीजिए और उसको बनाइए, और जो गला हमारा बनता है वो पट्टी हमने उसकी वीडियो हमने डाल रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं हमारी वीडियो को।
क्योंकि जो हमारा एक जॉइंट नीचे है और एक ऊपर, तो इसकी लंबाई नहीं आएगी, हमारा पीछे का पार्ट है उसकी लंबाई नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जॉइंट है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे लेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर आ जाएगा तो दिखेगा भी नहीं, ये शोल्डर में आ जाएगा, इसलिए हमें जो हमारा जॉइंट है ये हमें ऊपर लाना होगा। ये आप देख रहे हैं कि नीचे हमारे जॉइंट आ रहा है, तो ये जॉइंट हमें ऊपर लाना पड़ेगा शोल्डर में। ये देखिए ये एक डेढ़ इंच के करीब इसमें आ गया है ऊपर, तो ऊपर इसमें ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर तो दुपट्टा आ जाएगा इसलिए, और नीचे नहीं तो ये झोली में दिखेगा नीचे लाएंगे तो इसको। इस तरीके से आप कढ़ाई के सूट को इसी तरीके से कट करना, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है कमीज में साइड में पीछे के पार्ट में वो बच जाएगा, क्योंकि आगे के पार्ट में तो हमारा बाजू नहीं निकलेंगी क्योंकि वो तो पूरा बन के आता है, क्योंकि उसमें कढ़ाई भी आती है, इसी वजह से हम उसमें बाजू नहीं निकाल पाते। तो जो साइड में इसमें हम बाजू निकालेंगे, और जो हमें कपड़ा और चाहिए सलवार के लिए और जॉइंट डालने के लिए, तो वो कपड़ा भी इसमें से निकल जाएगा। इसी तरीके से आप जो बैक गला होता है पीछे का, उसको भी इसी तरीके से आप कट कीजिए। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा, जिसमें ऑल ओवर में कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है सलवार के लिए, वो हमारी सलवार और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो पीछे के पार्ट में, इसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा रखना है, नहीं कि इसी के साथ कट करना, क्योंकि इसकी आगे की तो कटिंग हो चुकी है, पीछे कटिंग इसी तरीके से होती है। तो आप ये कपड़ा ज़रूर एक्स्ट्रा रखिए पीछे का, क्योंकि इसका पूरा कट नहीं करते इसको। ये हमारी कटिंग हो चुकी है कमीज की, ये हमारा नीचे का पार्ट और ये ऊपर का। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था बाजू के लिए वो है हमारा, तो इस तरीके से हम बाजू कट करेंगे इसी कपड़े में से। बाजू की लंबाई हमारी 14 इंच, तो ये 14 इंच का पूरा कपड़ा है हमारा, तो इसको हम कट कर लेंगे, और जो आगे फोल्ड करने के लिए हम इसमें जॉइंट डाल देंगे, और जो ऊपर का निशान होता है इसको लेते हैं हम 2.5 इंच, ऊपर जो शोल्डर का निशान है वो है हमारा 2.5 इंच, और ये है हमारी 3 इंच। इस तरीके से आप बाजू को कट कीजिए, क्योंकि नीचे का 3 इंच ऊपर का 2.5 इंच। ये 6 इंच हमारी मोरी है इसकी तैयार, और 2.5 इंच इसमें ले लेंगे हम एक्स्ट्रा कपड़ा। ये ऊपर लगा दिया हमने डॉट, जो कि बीच का हमारा भाग है, जो सेंटर का भाग है, ऊपर शोल्डर की जो सिलाई है उस पर आएगा, और ये जो हमारे आगे के दो पार्ट होते हैं उनकी हमने कटिंग कर दी, आगे की कटिंग है हमारी ये। और ये हमारी सलवार का कपड़ा जो एक्स्ट्रा बचा था उसमें, जो ऑल ओवर में बचता है वो, तो ये लिया हमने पल्ले, इसके जो पल्ला होता है सलवार में वो आगे का, जिसको गोडा भी बोलते हैं और मोरी भी बोलते हैं इसको,
तो इस तरीके से हमने ले ली जो पल्ले हैं इसका साइज लेंगे हम। पल्ले लेंगे हम 35.5 इंच पे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने निकाल दिया। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है वो है ये, जिसमें से निकालेंगे हम कली। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है पल्ले निकालने के लिए, तो ये हमारे कली के लिए हमने इसको जजा दिया, फोल्ड कर दिया दोनों तरफ से। तो ये देखिए हम लेंगे इसमें कली की जो लंबाई होती है वो ही 35 इंच। 35 इंच हमारे पल्ले का साइज होता है, तो इसमें 35 इंच। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था वो है हमारा 7.5 इंच का, तो 7.5 पे हमें लगा देंगे इस पर निशान ऊपर जो जॉइंट डालना पड़ेगा। अगर आपको हैवी सलवार बनानी है जॉइंट नहीं डालना तो आप इस तरीके से कलियां काटिए। दिखे ध्यान उच्चो कर लियो फोन आपकी सलवार को हैवी बना सकते हैं, यानी पटियाला सलवार पंजाबी सलवार जैसे बनाते हैं आप बनाना चाहते हैं सलवार, तो आपको इस तरीके से कलियां कट करनी होंगी तभी आपकी सलवार हैवी बनेगी, नहीं तो इसमें जॉइंट आएगा और बता देगी आसन छोटा होगा और सलवार हैवी बन जाएगी। और इस तरीके से आप उठाइए कली को, ये तो आर्डन लेके दिखा दे। जो आसन है हमारा वो फुल साइज में नहीं हुआ, जो हमें साइज चाहिए था उस साइज में नहीं कटा, तब हम उसका साइज काटेंगे। क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था कली का हमारा, जिसमें पल्ले का साइज लेने के बाद वो था 7 इंच का, तो 7 इंच का तो हमारा आसन छोटा हो गया, तो हमें चाहिए 9 इंच का। इसमें 9-10 के करीब चाहिए हमें, तो इसमें 9-10 करीब के पास हो जाएगा। ये हमने ले लिया और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो वहाँ से हम निकाल देंगे। एक गिलास हमारा आसन, इससे क्या है इससे थोड़ा कपड़ा सलवार छोटो को नहीं रहे, जो हल्की भी नहीं होती और सही भी। ये बताओगी एक बार देखिए, ये देख सकते हैं हमारी सलवार बहुत चौड़ी बची है क्योंकि इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, इससे हमारी पटियाला सलवार बन जाएगी।